जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते गौर चौकी थाना के अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दोनों पक्षों को तीतर बितर करने में पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। रास्ते पर हुआ विवाद थाने पहुंचा, जहां पर फिर से दोनों ओर के लोगों के द्वारा जमकर हाथापाई हुई, जिसमें थाने की चौकी में लगे नल का पाइप भी टूट गया और इन दोनों पक्षों के झगड़े के बीच में एक प्रधान आरक्षक भी घायल हो गया। दो पक्ष जो है आपस में लड़ रहे थे पुरानी रंजिश को लेकर, जिसमें थाने में लक्ष्य उपाध्याय करके व्यक्ति, उसने अगर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ मारपीट हुई है, और जब जवाब में जब दूसरा पक्ष भी रिपोर्ट लिखा क्योंकि मारपीट हुई है दोनों के साथ, तो वो भी लिखाने आया, तो आपस में वो एक बार फिर भिड़ गए। तो इसके अब दोनों पक्षों का हमने मामला कायम किया है और दोनों पक्षों को समझाइश दी है कि कानून को अपना काम करने दें और आपस में वाद-विवाद ना करें, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो। तो दोनों पक्षों का हमने मामला कायम किया। सर, विवाद इतना बढ़ गया था कि थाने के अंदर भी जो है नल पे पाइप वगैरह भी तोड़ दिए इन्होंने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि हाँ, हालांकि भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी और हमारे चौकी के स्टाफ ने भी उसको बढ़िया तरीके से संभाला और उन लोगों को मैनेज किया। विवाद इनका शांत हो गया? जी, अभी तो ये फिलहाल दोनों पक्ष जो है शांत है और हमने समझाइश भी दी है और इन लोगों का नंबर भी वगैरह ले लिया है कि इस प्रकार से अगर कोई भी पक्ष अगर दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है या फोन करके धमकी वगैरह कुछ देता है तो हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक प्रधान आरक्षक भी घायल हुए? हाँ, दूसरा पक्ष जो था प्रधान आरक्षक गोविंद पटेल, वो उस लड़के के पिता थे चिराग पटेल, जिसने पत्थर से मारा था लक्ष्य उपाध्याय को।